चलिए बनाते हैं आलू दम। तो इसके लिए हम पहले आलू उबाल लेंगे। और देखिए यहाँ मसाले के लिए मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन और दो मिर्ची, इसको पीस लेंगे। और तब तक कढ़ाई चढ़ा दिए थे, कढ़ाई गर्म हो गया, उसमें डाल दिए हैं 1 चम्मच जीरा। जीरा चटकने के बाद हींग 1 आधा चम्मच और 1 बड़ा प्याज काट लिए हैं और इसे डाल दिए हैं। प्याज को भूनेंगे हल्का। और ये देखिए मसाला भून पीस लिए। अब सूखा मसाला इसमें डाल देते हैं, धनिया, मिर्ची, हल्दी, जीरा मरीच का पाउडर। देखिए प्याज जो है वो भुना गया है, इसमें मसाला जो हम प्यूरी तैयार किए थे टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्ची का, वो डाल दिए हैं। और अब डाल देंगे इसमें सूखा मसाला जो मैंने एक जगह रख लिया था, अदरक और नमक डाल देते हैं। इस सबको अच्छे से चला के मीडियम आंच पे इसे बहुत अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि मसाला अच्छा से भुनाएगा तो सब्जी का टेस्ट अच्छा आएगा। इस तरह से मसाले को आप मीडियम आंच पे भून लीजिए। तो देखिए मसाला जो है ये मेरा भुना गया है, आप देख सकते हैं किनारे से जो तेल है वो दिखाई देने लगा है, तेल निकलने लगा है किनारे किनारे से। तो इस समय हम थोड़ा सा इसमें आमचूर पाउडर डाल देते हैं और आलू, आलू को मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया था तो डाल दिया है। अब डाल देंगे 1.5 चम्मच, 1.5 गिलास पानी, 1.5 गिलास पानी डाल के ये सब डाल के अच्छे से मिला लेंगे। और इसे हम इसमें थोड़ा सा आप सौंफ भुना हुआ, अगर पाउडर है तो आप डाल सकते हैं, मेरे पास भुना हुआ है खड़ा सौंफ, हम वो खड़ा सौंफ थोड़ा सा डालेंगे। देखिए 1 चम्मच खड़ा सौंफ इसमें हम डाल दिए हैं और थोड़ा सा गरम मसाला, इस सबको डाल के मिला लेंगे। और इसे ढक के 15 मिनट तक मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि मसाला जो है वो अच्छे से आलू में मिक्स हो जाए और सब्जी भी थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा इस तरह से दबा देंगे ताकि आपका सब्जी जो है बहुत मिला मिला जैसा हो जाए। और देखिए थोड़ा सा धनिया पाउडर मैंने इसमें गार्निश कर दिया था। सब्जी हो गया है, अब गैस को कर देते हैं बंद और सब्जी को ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। देखिए 5 मिनट हो गया है और ये सब्जी जो है मेरा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आप इस तरह से एक बार बना के ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। तो देखिए ये मैंने सर्व कर लिया है सब्जी, और इसे आप रोटी पूरी किसी के भी साथ खा सकते हैं।